नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। सभी प्रत्याशी अपने भाग्य की किस्मत अजमाते हुए चुनावी मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में भारी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बार मामा की विदाई के साथ में कमलनाथ अपनी सरकार बना रहे हैं और इस बार 147 नहीं 174 सीटें जीत रही हैं। लोकतंत्र के महात्यौहार की तारीखें आ चुकी है। विधानसभा 2023 में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने योद्धा रणभूमि में उतार दिए हैं और योद्धा रण के लिए तैयार भी हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कांग्रेस ने पीसी शर्मा जी पर फिर से विश्वास जताया है। पूर्व विधायक है, हम इन्हीं से बात करते हैं। पूर्व मंत्री, नमस्कार सर। कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है। 2018 में आपने उमा शंकर गुप्ता को हराया था, एक बहुत ही बड़ी जीत थी कांग्रेस के लिए और एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस बार क्या रणनीति है कि कांग्रेस फिर से अपना पंजा ही हिला ले? इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कमलनाथ जी की लहर है, और इसलिए लहर है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हैं, जिन्होंने 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं जिस पर अमल आज तक हुआ नहीं है, और कमलनाथ जी वचन देते हैं। वचन पत्र था पिछली बार भी, जिसमें वृद्धाओं की पेंशन बढ़ी 300-600 रुपये, 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ, जो किसान ऋण माफी की बात हुई थी। उसके अलावा वृद्धा पेंशन 300-600 बढ़ी, 100 रुपए में लोगों को मिली बिजली। ये मेट्रो का काम शुरू किया था, सेंक्शन किया। इस बार पीसी शर्मा जी ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है कि उन्हें लगता है कि ये सीट कांग्रेस की अब रहेगी, परमानेंट नहीं जाने वाली? महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, 1.5 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हैं युवा मध्य प्रदेश में, और करीब 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड हैं काम के लिए। इनके जो विभाग है इसके अंदर रोजगार कार्यालयों में किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है, जो रोज आत्महत्याएं हो रही है उसकी वजह यही है। और दूसरा, महंगाई चरम पे है, वेट टैक्स सबसे ज्यादा है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस जो हमेशा ये कम करने की बात करते थे, लेकिन कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है उसको लेके हम जाएंगे। जितनी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है, उतना ही महत्वपूर्ण चेहरा भी इस सीट पर है, पीसी शर्मा। ऐसा कहा जाता है कि वो गरीबों के हमदर्द हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। ऐसी क्या रणनीति, ऐसा क्या विकास जो छूट गया है जिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा आपके द्वारा? विकास तो मैंने बताया ना, रोजगार चाहिए लोगों को, महंगाई महंगाई से जो त्रस्त है उससे राहत मिले, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। और मैंने जो बताया ना वचन पत्र, जो लोग अगर हम बात करें उस विकास की, तो विकास तो बहुत हुआ है, सड़क बिजली पानी सब किया है हमने, संजीवनियां बनाई सब किया। आज कुछ मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये चुराई इनने है, ये सब घोषणाएं कांग्रेस पहले कर चुके, इनने कहा 450 सिलेंडर देंगे, जब कांग्रेस के राज्यों में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, तो ये 450 और 450 किसी को मिल नहीं रहा है, बस झूठ का पुलिंदा है इनके पास। और वृद्धा पेंशन तो बढ़ाई थी ना हमने 300-600, जिसको 1200 करेंगे। जाति प्रमाण पत्र मुद्दा है हमारा, लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सर, इस बार कांग्रेस किस नाम से चुनाव जीतेगी, जैसे कि आरोप लग रहे हैं भाजपा की तरफ से कि जातिवाद फैलाया जा रहा है, क्या ये उनका कहना सही है? इस पे आप कहां तक सहमत हो गए? देखिए, जातिवाद फैलाना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जाति आधार, ये तो बीजेपी का काम है। ये डिवाइड एंड रूल पे काम करते हैं जो अंग्रेज करते थे, ये अंग्रेजों की तरफ से चलते हैं, क्योंकि उस समय भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कांग्रेस तो केवल महंगाई और बेरोजगारी से कैसे निपटे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इस पे काम करेगी। कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है बनने वाली, कमलनाथ जी का राज तिलक होगा और कमल की विदाई होगी इस बार? 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी,
और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये इतनी इसलिए कि कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाए, जब 30 सीट होंगी तो खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी। मामा तो खुद कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा, जो उन्हीं ने मान लिया कि मैं जा रहा हूँ मैं बहुत याद आऊंगा, तो ये निश्चित है। पिछली बार भी आपकी सरकार बन गई थी सर, लेकिन कुछ बागियों की वजह से सरकार को गिरना पड़ा था और वापस बीजेपी काबिज हो गई। क्या इस बार ऐसा कोई दाव तो नहीं खेल जाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी का समय खत्म, अब कांग्रेस का समय शुरू हुआ है। इसलिए मैंने कहा 174 से ज्यादा सीट आएंगी तो खरीद फरोख्त कर नहीं पाएगा, इसलिए ये वो सब चीजें जो कर चुके हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। इस बार कांग्रेस की एक पॉलिसी जिसपे चुनाव जीत जाएंगे, एक ऐसा स्लोगन जो कांग्रेस ने अब की बार दिया है, मध्य प्रदेश में खुशहाली लाना है, केवल खुशहाली। ये थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा जी, जिन्होंने बीजेपी पे हमला तो बोला ही है, साथ में ये कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार 101% बन रही है और इस बार इतना बहुमत मिलने वाला है कि खरीद फरोख्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक मेहगांव चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया। आपको बता दें कि हजारों की तादाद पर यहां पर लोग पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी टिकट कटने के बाद में पहली बार क्षेत्रीय लोगों से रूबरू हुए और जनता का अपार समर्थन देखकर रो पड़े। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी अपने नेता को रोते हुए देखकर समर्थक भी काफी भावुक हो गए। आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद भी पार्टी से बगावत ना करने की लोगों से अपील भी की है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग जहां पर भावुक होकर बीजेपी के पूर्व विधायक रो पड़े। आप देख सकते हैं जनसैलाब जहां पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इतना जन समर्थन मिलने के बाद वो भावुक होकर रो पड़े। हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए और साथ ही उनका समर्थन भी जताया, जिसके बाद वो काफी भावुक हो गए और रोने लगे। आपको बता दें कि दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए थे। अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे से निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही अटेर विधानसभा के मतदाताओं और शासन के अधिकारियों कर्मचारियों की घर पर बैठक करने का भी आरोप लगाया और साथ ही आम मतदाताओं को लुभाने और कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर निर्देशित करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया ने फेसबुक अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट देखकर ये शिकायत दी है और जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया, जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इनने कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारी और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। रतलाम जिले के अलोट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ने अपना नामांकन फॉर्म भरा और प्रेमचंद गुड्डू ने अलोट क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए बिहारी गायिका नेहा राठौर को बुलाया। वहीं हजारों की संख्या में भीड़ नेहा राठौर के नाम से जमा हो गई और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का जो है दुर्जन भी कहा और साथ ही कहा कि जुआ सट्टा चलाने और गांजा और भांग कॉलेज में बेचने वाला बताया। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत के विकास कार्यों को भी गिनाया और साथ ही मौजूदा जनता दुविधा में है, वोट निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू को दिया। साथ ही मंच से बीजेपी के थावरचंद गहलोत के जो विकास कार्य बताए और बीजेपी के समर्थन में है।
आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रेमचंद, जो कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा को उन्होंने दुर्जन कहा है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन भरने के बाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने निशाना साधा और कहा कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा दुर्जन है, और साथ ही ये जो सभा है वो रतलाम में संबोधित की गई और प्रेमचंद गुड्डू ने अपना नामांकन पत्र भरा, जहां पर जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। खबर भिंड से है, जहां पर भिंड के कलेक्ट्रेट में कई विधानसभा की राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसके बाद में गृह गांव मधुपुरा पहुंचे और जहां पर कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। साथ ही आपको बता दें कि संजीव सिंह भिंड के प्राचीन और वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर माथा टेक कर विजय की कामना होने की कामना भी की, और इसके बाद में विजय संजीव सिंह संजू ने शहर में जनसंपर्क भी शुरू किया, कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और रैली के साथ जो सभी हमारे समर्थकों के साथ जो नामांकन दाखिल करूंगा 20 तारीख को करूंगा। और आज मैंने भिंड के महाराज राजा धराज बाबा बनखंडेश्वर महाराज के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से जनसंपर्क प्रारंभ किया। निश्चित तौर पर बाबा का आशीर्वाद पूरे भिंड को मिलेगा, मुझे मिलेगा और इस भिंड को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र 218 से कांग्रेस ने तीसरी सूची में राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया था और अपना टिकट कटने से नाराज मुरली मोरवल ने भी अपने समर्थकों के साथ में भोपाल जाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर जाकर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने चौथी सूची से 4 उम्मीदवारों को उलटफेर भी किया, जिसमें राजेंद्र सिंह सोलंकी का टिकट कटकर मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया, जिससे राजेंद्र सिंह सोलंकी और समर्थकों में नाराजगी के चलते एडवोकेट राजेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने हजारों समर्थकों को साथ में लेकर मधुबन गार्डन से एक विशाल रैली, कोर्ट चौराहा, एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भी जमा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं वो बदले हैं। उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद में मुरली मोरवाल का टिकट कटा है। आपको बता दें कि बड़नगर से जो है ये रैली दिखाई दे रही है आपको, जहां पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले और साथ ही जो उम्मीदवारों ने नामांकन किया उसके बाद में यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया गया। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर वोट मांगने की भी अपील की गई और कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है, जहां पर उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी की गई और सूची में जिनका भी नाम आया है उन्होंने अपना नामांकन भरा, जिसमें से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया। सभी में रोष है जिसकी मेरी टिकट मुझे दी गई और फिर काटी है। अगर ये अगर नहीं होता तो हम कोई नामांकन नहीं भरते, पर हमें टिकट दी क्यों और अगर काटी थी तो फिर क्यों? फिर मुझे नहीं दी गई तो पूरे हम 7-8 सीट प्रभावित करेंगे और करनी चला नहीं सभी समाज मेरे साथ। अच्छा, अभी मुरली मोरवाल जी कह रहे थे आपको जब टिकट आपको मिली थी कि राजेंद्र सिंह दलाल है और अभी कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है। दलाल है तो दलाली साबित तो करे, कहाँ दलाली की, मैं तो बहुत सारी चीजें साबित कर सकता हूँ। बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के राजपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार पटेल ने आरएन टीवी के संवाददाता से बात की और राजपुर विधानसभा में युवा मतदाताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक कितने प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया है और साथ ही राजपुर विधानसभा में कितने नए मतदाता बूथ बने हैं। उन्होंने मतदान करने को लेकर नगरवासियों से भी अपील की है। हम मौजूद हैं राजपुर तहसील में, निर्वाचन चुनाव चलता हुआ, नोडल अधिकारी सर से हम लोग बातचीत कर चुके थे। हमारे साथ है राजपुर एसडीएम साहब जितेंद्र कुमार पटेल सर हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव काफी करीब है, कितने उम्मीदवारों ने फॉर्म भर दिया होगा सर? अभी आज दिनांक तक हमारे पास 4 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है।
सर क्या लगता है नए मतदाता कितने होंगे और कितने मतदान बूथ भी हैं यहाँ पर इस बार राजपुर विधानसभा से? राजपुर विधानसभा में 292 मतदान केंद्र हैं जिसमें अंजड़, ठीकरी और राजपुर तहसील शामिल हैं। कुल हमारे 253,000 मतदाता हैं और अभी जो नया निरीक्षण हुआ था उसमें भी हमारे 15,000 लगभग मतदाता नए जुड़े हैं उसमें, तो 253,000 कुल मतदाता हैं जो मतदान करने के लिए पात्र। मतलब आज दिनांक तक टोटल कितने उम्मीदवार हो गए? 4 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं जिन्होंने, कुल 5 फॉर्म आए हैं और 4 कैंडिडेट। सर जैसे मतदान है और मतदान करना शत प्रतिशत कलेक्टर महोदय साहब जैसा बोल रहे, तो मतदाता को लेकर आप एक क्या अपील करेंगे? देखिए मैं तो सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि चूंकि ये एक तरह से लोकतंत्र का पर्व है और सभी मतदाताओं को जो नए अभी मतदाता जुड़े हैं पहली बार वोट करेंगे उनसे भी यही अपील है कि आप मतदान अवश्य करें और अपने जो मताधिकार आपको भारत के संविधान से मिला हुआ है उसका उपयोग जरूर करें ताकि सही प्रत्याशी चुना जा सके। हमारे साथ हैं राजपुर SDM सर जितेंद्र सर है जिन्होंने मतदाताओं से अपील करी है। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा RN TV। मैं आपके साथ कमलेश आलासिया। बीजेपी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र पाल ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी ने पहले सिद्धपीठ अश्वरू माता के दरबार में और नगर की बड़ी देवी जी की मंदिर और साथ ही किलाधीश सरकार मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नामांकन दाखिल करने के लिए अनुविभागीय राजस्व कार्यालय पहुंचे और वहीं रिटर्निंग ऑफिसर सुधीर कुशवाहा के समक्ष अपना नामांकन भी दाखिल किया। देखिए आज नामांकन दाखिल हुआ है सत्य है, लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विजन है, हमारे दल भारतीय जनता पार्टी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वी पर प्रत्याशी होने के नाते वही मेरा विजन है। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा से बीजेपी से बागी हुए रमेश मालवी जो कि विधानसभा चुनावी मैदान आ गए हैं और अब देखना यह होगा कि रमेश मालवी के आने से किसको किसका फायदा होता है और किसका नुकसान भी होता है। मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा हूं, संगठन में बहुत कुछ पदों पर भी रहा हूं, जिले के महामंत्री रहा हूं। मैं 2008 से विधानसभा के लिए दावेदार की है मेरी, 13 में भी थी, 18 में भी थी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी सर्वे भी कराया, सर्वे के आधार पर उनने टिकट देना थी उसको मेरे को नहीं दी, किसी और को दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि यहाँ स्थानीय मुद्दा चल रहा तो स्थानीय में और लोग भी थे, किसी को भी नहीं देखे हुए, बाहर की टिकट हुई तो जनता में बड़ा आक्रोश है। मैंने पार्टी अभी नहीं छोड़ी, मेरे को पार्टी में एक साल पहले निष्कासित कर किया था, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था मैं निर्दलीय, मेरे को टिकट नहीं मिली थी इसलिए। हम सब स्थानीय के पक्ष में है, भोपाल भी गए थे हम लोग, बहुत सारे लोग गए थे और स्थानीय की मांग करी थी और पैरासूट से बाहर का आदमी को टिकट दिया गया है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हम स्थानीयों के साथ में है, रमेश जी मालवीय के साथ। यही तो समय से समस्या परे, गुजरात से विधायक आया था सर्वे कर यहाँ का फीडबैक लेने के लिए, उन्होंने भी रमेश जी मालवीय का पक्ष रखा, सर्वे 6-6 सर्वे करवाया संगठन ने, सभी में रमेश जी मालवीय का नाम आया था। उसके बाद में भी समस्या परे है कि मतलब बाहर का 100 किलोमीटर दूर का कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया गया है। दादा बहुत सालों से सेवा करते आ रहे हैं और दादा हर गाँव गाँव से वाकिफ है, वो गाँव के रहने वाले हैं, ये बाहर से लोग आए ये किसी को जानते नहीं है, ना गांव में किसी कार्यकर्ता या किसी नेता को भी नहीं जानते, यहाँ के कुछ कार्यकर्ता या तो नेता इसको क्या कहेंगे, बीजेपी से गलती हुई है? बिल्कुल अचानक बिल्कुल गलत चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सर्वे कराया था और हमारी मांग थी कि इस क्षेत्र में जो पूर्व विधायक थे जितेंद्र जी गहलोत ने हजारों करोड़ के काम किए थे, हमने संगठन से मांग करी थी कि एक बार इनको मौका देना चाहिए, अगर जितेंद्र जी गहलोत को मौका नहीं दे
आलोट में 4-5 स्थानीय उम्मीदवार है, उनको मौका देना चाहिए। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा 2023 से वर्तमान विधायक और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के पुनः भरोसा पर प्रत्याशी मनोज चावला को इस बार फिर से मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार अपनी सीट पर पुनः प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करवा पाएंगे या फिर एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर निराशा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने की जो सरकार रही है, हमने कई जनहितैषी काम उसमें किए, उन्हीं मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र जारी किया, उस वचन पत्र में जो मुद्दे उनको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। आप अभी वर्तमान में विधायक हैं, 5 साल से आलोट की जनता के बीच में हैं, क्या क्या विकास किए हैं मनोज चावला ने जिसके बाद आपको लगता है कि पुनः लोग मनोज चावला को ही वोट देंगे और जिताएंगे? देखिए, एक विपक्ष का विधायक जो काम कर सकता है वो काम हम लोगों ने किए। आपके सामने इस बार जो कैंडिडेट हैं पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभी आपके सामने, टक्कर कैसी होगी, कांटे की या कांग्रेस को लगता है कि हम जीत जाएंगे इजीली? कोई टक्कर नहीं है, हमारे जो उम्मीदवार हैं सारे सब बाहर के हैं और हमने जो काम अलोट क्षेत्र में किया, अलोट जनता का विश्वास हम लोगों ने पाया, निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग पुनः अलोट विधानसभा में जीत दर्ज करेंगे। सुजालपुर में विधानसभा क्षेत्र 168 से जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी अब बनाने कांग्रेस की ओर से हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकवारा का विरोध करते हुए सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बनाने वाला जो अपना नामांकन सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किया। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना की नामांकन रैली रोकड़िया हनुमान मंदिर सुजालपुर मंडी से प्रारंभ हुई थी जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजब सिंह पवार को भी उपस्थिति रही। मेरे स्वर्गीय पिताजी मनोहर सिंह जी, माननीय हुकुम सिंह कराड़ा जी, स्वर्गीय विद्याधर जोशी जी, इन सबके साथ जुड़कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश करा और नगर पालिका का टिकट लिया शाहजहापुर से। शाहजहापुर से दावेदारी करते करते अब जहां अवसर मिला उनको वहां पहुंच गए। सुजालपुर में स्थानीय कोई भी होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हम यहां 5-6 दावेदार थे जो मूल यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं हमारी कर्मभूमि है, हमारे बाप दादा यहीं हैं, यहीं गड़े हैं और आने वाले समय में भी हम यहीं गड़ेंगे, यहीं जलेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज नामांकन को लेकर प्रत्याशियों की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन कर जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और यही नहीं बल्कि प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों को भी अपने पक्ष में वोट करने की, अपने अपने विधानसभाओं में लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी सभा और रैलियां निकाली जा रही है। और इसी बीच में हरदा विधानसभा 135 में भी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का नामांकन दाखिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरदा पहुंचे। देखिए, चुनाव के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में काम करने के लिए जाता है। आज आपने देखा हरदा की सभा में सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, तो ये सिलसिला चलता रहता है और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, हजारों लोग सरकारी अफसर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं हरदा में कमल पटेल जी के नामांकन में आया हूं और आज हरदा में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, अब तक कमल पटेल जी जितने वोटों से जीते हैं उससे कई गुना अधिक वोटों से इस चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।